पढ़ के आते हैं वो आता कहाँ है। टाइम से पहले हो गया था आपका? हाँ हाँ, जो मेंस की दिक्कत थी, मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया था इंटरव्यू के लिए। मतलब पढ़ के आए थे उसमें से कुछ मिले? हाँ बहुत सारे, सभी वही मिले हैं। घबराने से एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम करने से होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है, आप सभी लोग जानते हो। आज हम सिकंदराबाद में मौजूद थे और आप पीछे देखेंगे एक स्कूल है, इसका नाम है न्यू लैंसर कॉन्वेंट। ये स्कूल है और इसमें जो UPPCS वाले जो स्टूडेंट थे, आज उनका एग्ज़ाम था। फर्स्ट पेपर GS का उनका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी जो CSAT का सेकंड पेपर था वो ख़त्म होने वाला है। टाइमिंग लगभग होने वाला है, एक दो मिनट बाकी है। अभी स्टूडेंट बाहर निकलेंगे गेट से और हम उनसे बात करेंगे क्या क्वेश्चन पेपर ज़्यादा टफ था CSAT वाला, और उन्होंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और क्या उन्होंने पहले अटैम्प्ट दिया था, और उनसे ढेर सारी बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखिए। और उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप इधर का माहौल देखेंगे तो बिल्कुल शांति है। पीछे दिखाइए एक बार, उधर इधर का देखेंगे तो बिल्कुल शांति है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, शांति का माहौल है। और परीक्षा बिल्कुल सही तरीके से और अच्छे ढंग से हो पा रही है यहाँ पे, मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई है किसी भी स्टूडेंट को। आप देखेंगे सेंटर से जो दूरी है, काफ़ी दूरी है, वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं जो स्टूडेंट के माता पिता या भाई बहन हैं, और यहाँ पे जो सुरक्षा बल है, पुलिस है, वो मौजूद है, तो मतलब कोई परेशानी स्टूडेंट को हुई नहीं है। और फिर इधर स्कूल का गेट है, अभी यहाँ से स्टूडेंट बाहर निकलेंगे, हम उनसे बात करेंगे। आप देखते रहिए इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों कहीं ना कहीं जो है अब वो गेट खुल चुका है और हम आगे आ जाते हैं, जो स्टूडेंट आएंगे हम उनसे बात करेंगे। आगे जाओ और आगे जाओ, बिल्कुल आगे जाओ, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे। अब यहाँ से जो भी स्टूडेंट निकलेंगे हम उनको पकड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया और CSAT का पेपर कैसा था। स्टूडेंट जो है निकलना शुरू हो गए हैं, अपने स्टूडेंट निकलने लगे हैं और काफ़ी रफ्तार में आ रहे हैं। हम यहीं के यहीं उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? विवेक सिंह। आप कहाँ से आए थे? हम आए दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली में कौन सी जगह? गांधी विहार। ये जो CSAT का अभी आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, ये इसमें क्वेश्चन कैसे थे, आसान थे या कठिन थे? मिक्स था लगभग, थोड़े आसान थे थोड़े कठिन थे। आपका एग्ज़ाम कैसे गया? ठीक ठाक। आप कितने क्वेश्चन करके आए हैं? लगभग 70 के करीब करें। इसमें रीजनिंग आती है, थोड़े हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश होती है। रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ मतलब टफ थे, जिनमें मतलब दिक्कत हुई है? काफ़ी के नहीं टफ थे, लेकिन कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े थे। अब वो डिपेंड करता है कौन क्या पढ़ा है, कैसी तैयारी की इसकी। जो समय आपको दिया गया था उसमें आपने कर लिए थे या फिर कुछ रह गए, सीमित समय में कर पाए या नहीं? हाँ लगभग हो गया था, कंप्लीट हो गया। एग्जाम सेंटर के अंदर कोई प्रॉब्लम या समस्या? एकदम नहीं, कोई नहीं। यहाँ तक कि जल्दी से पेपर कलेक्ट करके, अगर मान लो सामान वगैरह लेना है किसी को तो जल्दी से फ्री टाइम पे पेपर मिल गया था और सही टाइम पे आपसे ले लिया गया। एकदम। ओके, आपके लिए शुभकामनाएं। और भी स्टूडेंट आ रहे हैं, हम दोस्तों उनसे बात करेंगे और उनको रोकने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? जितेंद्र शर्मा। आप कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से ही हैं। ये बताइए, अभी जो CSAT का आप पेपर दे के आए हैं, ये पेपर ज़्यादा टफ था या फिर आसान था? फर्स्ट पेपर थे, सही था। जो आप पढ़ के आए थे उसमें से कुछ आया? पढ़ के आते हैं वो आता कहाँ है लेकिन फिर भी सही था। सही था? हाँ। आपकी जो एंट्री बिल्कुल सही टाइम पर हुई थी जो बताई गई थी, और छुट्टी भी उसी टाइम हुई है, सही थी। अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम, मैनेजमेंट सही है। जो नए स्टूडेंट है कहीं ना कहीं, जो अब बैठेंगे नेक्स्ट ईयर, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा घबराते हैं कि यार पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आज उनके लिए घबराने के लिए तो कोई घबराने वाला का कोई ऐसा कुछ है नहीं घबराने के लिए, क्योंकि घबराने से एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम करने से होता है। घबराएंगे तो फिर जो है वो भी निकल जाता है। आप कितने क्वेश्चन करके आए हैं लगभग? मैं लगभग 80 के समथिंग, 80 अप्रॉक्स। जो सीमित समय था उसमें आपने कर लिए थे या फिर? हाँ, कर लिए थे। हाँ। बहुत बढ़िया, आपके लिए शुभकामनाएं, आपका धन्यवाद। और भी दोस्त आएंगे, हम उनसे बात करेंगे। चुके हैं ये, बताइए आप CSAT का भी देख के आएंगे पेपर, ये कैसा था? GS से आसान ये था या फिर वो आसान था? ये हालांकि जो तैयारी करते हैं तो उन्हें तो GS पढ़ना पड़ता है, इसमें अलग से रीजनिंग भी होती है, हिंदी भी होती है, और भी जो दो तीन सब्जेक्ट हैं वो इसी में इंक्लूड होते हैं, तो इस वजह से वो खाली GS का था और इसमें तीन चार चीज़ एकदम कंबाइंड है तो थोड़ा डिफिकल्ट तो हो गया। उसमें आप शायद 92 करके आए थे, इसमें कितने करके आए हैं? इसमें मैं 63 करके आया हूँ सर। इसमें टाइम से पहले ही कर लिए थे या फिर मतलब? जी टाइम से पहले कर लिए थे, जो मेरे पे आते थे मैंने वो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट नेगेटिव मार्किंग नहीं की बिल्कुल। जो घर से मतलब पढ़ के आए थे उसमें से कुछ मिले? हाँ बहुत सारे, सभी वही मिले हैं, वही करे हैं। टोटल सभी वही मिले? वही मिले हैं।
आज जो आपको स्टूडेंट देख रहे होंगे जो मतलब आप नेक्स्ट टाइम बैठेंगे नेक्स्ट ईयर, उनको क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहूँगा देखो कि कोई भी चीज़ है अगर उसे तुम पाना चाहते हो तो एक गोल बनाओ और उसके लिए कंटिन्यूस तैयारी करो, क्योंकि कोई भी चीज़ कहीं बाहर से नहीं आती है, खाली पढ़ने से ही मिलती है और शिक्षा में ही वो पावर है जो तुम आगे बढ़ सकते हो खाली। इससे पहले भी आपने कोई अटेम्प्ट दिया था? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरे। पहली बार ही दिया था? हाँ जी। ओके, आपके लिए शुभकामनाएं। और तो आपका नाम क्या है सर? राजकुमार। आप कहाँ से आए? मैं तो दिल्ली से। सर ये बताइए, अभी आप जो सीसेट का पेपर दे के आए, ये थोड़ा आसान था फर्स्ट वाले से या फिर ये हार्ड था? नहीं, आसान था, बिल्कुल आसान था। ये बिल्कुल आसान था? हाँ, पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत आसान था। अच्छा, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है क्या? नहीं, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड है? ओके। तो आज आपको जो है ना न्यू स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो आपने ये थर्ड दिया है, इससे पहले क्या मिस्टेक रही थी आप बता दीजिए ताकि उनके साथ ना हो। मेंस की दिक्कत थी, मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया था इंटरव्यू के लिए। उसमें मेंस में जैसे सब्जेक्ट है जीएस का, थर्ड पेपर है, फोर्थ पेपर, उसमें कमी हो गई थी। अभी आप करके आए, अच्छे से हुआ? हाँ, आपके भी ठीक है। ओके, आपका नाम क्या है? जितेंद्र। आप कहाँ से हैं? सर बुलंदशहर से। ये बताइए, अभी आप ये जो पेपर देखे हैं, सारे क्वेश्चन करके आए हो? हाँ, टोटल क्वेश्चन करके। क्या शक गया आपका, कैसा पेपर गया आपका? पेपर अच्छा था। समय से पहले ही कर लिया था? हाँ, समय से पहले हो गया था। पक्का? आप ये बताइए, जो क्वेश्चन आए थे वो फर्स्ट पेपर से इसमें आसान थे या फिर उसमें थे? सर इसमें आसान थे। आगे जाओ आप, आगे जाओ। ओके, धन्यवाद आपका। आप बताइए, आपका नाम क्या है? संदीप। अभी जो सीसेट का पेपर देखे आए हैं, जो फर्स्ट वाला जीएस का था वो इजी था या फिर ये है? इजी तो सेकंड वाला ही था, सीसेट इजी था, क्वालिफाइंग है ये, तो ये इतना मुश्किल नहीं था। आप कितने क्वेश्चन करके आए हैं सीसेट में? हाँ। 70+। टाइम से पहले हो गया था आपका? हाँ हाँ। जो पढ़ के आए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन मिले आपको सीसेट में? हाँ। सीसेट में तो ज़्यादातर इंटरपर्सनल स्किल के थे और मैथ रीजनिंग वगैरह, तो जिसका थोड़ा तैयार है पहले से तो अच्छा गया होगा। एक बात बताइए, जब आपकी एंट्री हुई थी तब सही टाइम पे हुई थी जो बताया गया था, और जब अभी पेपर लिया गया तो बिल्कुल सही टाइम पे लिया गया? ऐसा तो नहीं है लेट एंट्री हुई और पेपर जल्दी ले लिया गया? नहीं नहीं, सही टाइम पे भी। अंदर जो टीचर थे उनका बिहेवियर कोऑपरेटिव था या नहीं? अच्छा था, उनका भी ठीक था। अब जो न्यू स्टूडेंट बैठेंगे नेक्स्ट ईयर, उनको क्या कहना चाहेंगे आप, कहना चाहोगे? उनके लिए यही है, जीएस फर्स्ट पेपर की तैयारी अच्छी करें, सीसेट की भी तैयारी करें, हल्के में मत ले उसको, क्योंकि उसको भी क्वालिफाई करना जरूरी है। ओके, तो दोस्तों हम स्कूल के बाहर ही मौजूद थे जो कि एग्जाम सेंटर था यूपीपीसीएस वाले स्टूडेंट का। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।